गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने माइक्रोमीटर का मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट किस तरह निकाला जाता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं इस माइक्रोमीटर में के स्लिप पर इंच के निशान बने होते हैं। एक इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसके एक भाग का मान 1/10 इंच या 0.1 इंच हो जाता है। इसको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसके एक भाग का मान 1/40 इंच या 0.025 इंच हो जाता है। इसे सब डिवीजन कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर और स्लीव या बैरल के अंदर एक इंच में 40 थ्रेड अर्थात 1/40 पिच वाली थ्रेड कटी होती है। थिम्बल के बेवल एज को 25 बराबर भागों में बांटकर निशान बना दिए जाते हैं। थिम्बल का एक चक्कर अर्थात 25 निशान घुमाने पर वह 1/40 या 0.025 इंच आगे या पीछे घूमेगा, इसलिए थिम्बल का एक भाग बराबर 1/40 इंच गुने 1/25 इंच बराबर 1/1000 इंच इजकल टू 0.001 इंच। अतः ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो है हमारा 0.001 इंच हुआ। अब हम लोग इसे फॉर्मूला के आधार पे जानते हैं कि किस तरह से आसानी से लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है। तो इसका सूत्र होता है लीस्ट काउंट बराबर पिच बटे थिम्बल पर खानों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो पिच होता है, एक पिच का दूरी जो होता है 1/40 इंच होता है और थिम्बल पर खानों की संख्या 25 भागों में बटा होता है। तो 1/40/25 बराबर 1/40 × 1/25 बराबर 1/1000 बराबर 0.001 इंच। इस तरह से हम लोग ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालने का जानकारी प्राप्त किए। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि हम लोग ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट मतलब इसका रीडिंग किस तरह से पढ़ा जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश सिस्टम में किस तरह से रीडिंग पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने से पहले उसका रेंज हम लोग देखते हैं कि किस रेंज का माइक्रोमीटर है और उसका चुनाव करते हैं। जैसे 0 से 1 इंच के बीच का रीडिंग लेना हो तो 0 से 1 इंच वाला माइक्रोमीटर लेंगे। रीडिंग लेते समय सबसे पहले मेन डिवीजन, फिर सब डिवीजन और अंत में थिम्बल डिवीजन को देखते हैं। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने से पहले उसकी जीरो एरर चेक कर लेनी चाहिए। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटम लाइन के रेखा को थिम्बल पर के जीरो से मिलाते हैं, जो कि एक सीध में होनी चाहिए। अब रीडिंग लेते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मेन डिवीजन जो है हमारा है, एक इंच को 10 भागों में बांटा गया है, जो कि 0.100 इंच होगा। अब सब डिवीजन जो होता है वो होता है मेन डिवीजन को 4 भागों में बांट के बनाया जाता है। तो सब डिवीजन हो गया 0.025 इंच। अब इसके रीडिंग लेके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रीडिंग ली जाती है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक इंच को 10 भागों में बांटा जाता है और उसके बाद 10 भागों को 40 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे 0 से 1 दिख रहा है, जो कि एक हो गया मेन डिवीजन। तो एक मेन डिवीजन का मान होता है 0.100 इंच और एक मेन डिवीज़न को 4 सब डिवीज़नों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ देख रहा है कि 4 सब डिवीज़नों में बांटा गया है। तो एक सब डिवीज़न का मान होता है 0.025 इंच और थिम्बल डिवीज़न जो है, थिम्बल डिवीज़न को 25 भागों में बांटा गया है, तो एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है 0.001 इंच। अब देखते हैं इसका मान किस तरह से लिया जाता है। अब यहाँ पर हमको फिगर में दिख रहा है कि मेन डिवीज़न जो है चार चौथा रेखा मेन डिवीज़न का लाइन दिख रहा है। तो मेन डिवीज़न में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे 4 रेखा मिल रहा है चौथा लाइन।
तो यहाँ पे मेन डिवीजन लिखते हैं 0.400 इंच। अब पढ़ते हैं सब डिवीजन का कितना लाइन थिम्बल के बाहर है, तो सब डिवीजन का 3 रेखा दिख रहा है हम लोगों को थिम्बल के बाहर है, 1, 2, 3। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है, एक सब डिवीजन का मान 0.025 इंच होता है, तो 3 रेखा मिल रहा है, तो 3 से गुना करने पे सब डिवीजन का मान हो जाएगा 0.075 इंच। अब देखते हैं कि हमारा थिम्बल डिवीजन का कौन सा रेखा मिल रहा है, तो थिम्बल डिवीजन का 15वां रेखा मिल रहा है। अब इसका रीडिंग लेते हैं, तो थिम्बल डिवीजन 15 को गुना करते हैं इसके लीस्ट काउंट से, तो इसके लीस्ट काउंट से गुना करने पर 0.015 इंच हो जाता है। अब इसकी कुल रीडिंग लेते हैं, तो कुल रीडिंग हो गया 0.490 इंच। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम। अब इस उदाहरण में देखते हैं मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन को किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फिगर में दिया हुआ है, बैरल या स्लिप पे डेटम लाइन पे मार्किंग किया हुआ है, जो कि 0 से लेके यहाँ 4 तक जो है वो मेरा मेन डिवीजन दिख रहा है, और नीचे एक मेन डिवीजन को 4 भागों में बटा हुआ है जो कि सब डिवीजन कहलाता है, और थिम्बल डिवीजन यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है जो कि 0 से 25 तक होता है। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि स्लिप और थिम्बल की रीडिंग किस तरह से लेनी है। तो मेन डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे मेन डिवीजन का 4th रेखा मिल रहा है, तो 4th रेखा का मतलब हो गया 0.400 इंच, और सब डिवीजन का जो 4 के बाद एक रेखा दिख रहा है हमें, जो कि एक सब डिवीजन का मान होता है 0.025 इंच। तो यहाँ पे सब डिवीजन हम लोग लिख देते हैं 0.025 इंच। अब थिम्बल डिवीजन पढ़ते हैं, तो थिम्बल डिवीजन का हमारा 10वां रेखा डॉटम लाइन के सिद्ध में है, तो 10 को हम इसके लीस्ट काउंट से गुना करते हैं, तो हो जाता है मेरा थिम्बल डिवीजन 0.010 इंच। अब टोटल रीडिंग हमारा हो गया 0.435 इंच। अब नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं 0 से 1 इंच का ही एक और एग्जाम्पल। फिगर में दिख रहा है मेरा 0 से 1 इंच का माइक्रोमीटर का ये हमारा थिम्बल है, ये हमारा स्लीव या बैरल है, जिस पे डेटम लाइन पे 0 से लेके 1 मेन स्केल दिख रहा है, मेन डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो मेरा ये है डेटम लाइन, जिस पे कि यहाँ पे ऊपर मेरा मेन डिवीजन है और नीचे सब डिवीजन है, तो यहाँ पे मेरा 1 दिख रहा है मेन डिवीजन। तो यहाँ पे रीडिंग में हम लोग लिखते हैं मेन डिवीजन बराबर 0.100 इंच। अब सब डिवीजन मेरा देख रहे हैं कितना रेखा दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 के बाद मेरा 1, 2, 3 3 रेखा दिखा, तो सब डिवीजन मेरा हो जाएगा, एक सब डिवीजन का मान होता है 0.025 इंच, तो 3 सब डिवीजन का मान हो गया 0.075 इंच। अब हमारा थिम्बल डिवीजन पढ़ना है हमको, तो थिम्बल डिवीजन का देखते हैं कौन सी रेखा डेटम लाइन के सिद्ध में है। तो यहाँ 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, यानी कि 8वीं लाइन हमारी डेटम लाइन से मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा हो गया थिम्बल डिवीजन बराबर हो गया 0.008 इंच। अब टोटल रीडिंग इस तरह से हम लोग ऐड करके पढ़ते हैं, तो टोटल रीडिंग हो जाता है 0.183 इंच। और अब अगला देखते हैं हम लोग कि अलग रेंज के माइक्रोमीटर पे किस तरह रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले 1 इंच से 2 इंच के रेंज वाले माइक्रोमीटर, तो उस पर देखते हैं डेटम लाइन पे यहाँ पे हमारा बना हुआ है मेन डिवीजन, इसे बोलते हैं, तो मेन डिवीजन हमारा दिख रहा है, 3 रेखा दिख रही है मेन डिवीजन की। तो सबसे पहले मिनिमम रेंज लिखते हैं, जो कि मिनिमम रेंज मेरा 1 इंच का है, 1 से 2 इंच है, तो मिनिमम रेंज हो गया 1 इंच। अब हमारा मेन डिवीजन क्या है, तो मेन डिवीजन यहाँ 3री रेखा दिख रही है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0.300 इंच, तो मेन डिवीजन हो गया 0.300 इंच हो गया। अब सब डिवीजन देखते हैं कितनी रेखा दिख रही है मेरी, तो 1, 2, 3, यानी 3 रेखा सब डिवीजन का दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब डिवीजन बराबर 0.075 इंच। अब देखते हैं थिम्बल डिवीजन कौन सा मिल रहा है, तो डेटम लाइन से हमारा थिम्बल डिवीजन 15वीं लाइन जो हमारी सीध में है डेटम लाइन के, तो
तो हमारा यहाँ हो गया थिम्बल डिवीजन बराबर 0.00015 इंच। अब टोटल रीडिंग इसकी हम ज्ञात करते हैं, तो टोटल रीडिंग बराबर हो जाएगा 1.390 इंच। इस तरह से हम लोग देखते हैं 1 से 2 इंच रेंज वाले माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़े। अब नेक्स्ट में एक और 1 से 2 इंच वाले रीडिंग का एग्जांपल दिखाते हैं। दूसरा उदाहरण मिनिमम 1 से 2 इंच वाली रेंज का माइक्रोमीटर का रीडिंग पढ़ने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिगर में दिख रहा है मेरा कि सबसे पहले रेंज जो है माइक्रोमीटर का 1 से 2 इंच का है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मिनिमम रेंज जो है 1.001 इंच। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन डिवीजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है मेरा ये मेन डिवीजन की रेखा है 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा मेन डिवीजन हो गया 4, यानी कि मेन डिवीजन बराबर 0.400 इंच। तो मेन डिवीजन मेरा हो गया 0.400 इंच। अब सब डिवीजन की रेखा देखते हैं कितनी रेखा आगे गई है। तो 4 के बाद 2 रेखा हमारा दिख रहा है सब डिवीजन का, 1 और 2। तो 2 सब डिवीजन का मान हो गया 0.05 इंच। अब हम लोग देखते हैं थिम्बल डिवीजन में कौन सी रेखा डेटम लाइन के सीध में है। तो थिम्बल डिवीजन हमारा 15वीं रेखा जो है डेटम लाइन के सीध में है। तो 15 को हम लोग लिस्ट काउंट से गुना करते हैं, तो इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच। तो 15 से गुना करने पर हमारा थिम्बल डिवीजन हो जाता है 0.015 इंच। अब इस तरह से टोटल रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं तो 1.465 इंच होता है। और इस तरह से हम लोग इसका रीडिंग ज्ञात किए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर और मीट्रिक माइक्रोमीटर में अंतर क्या है। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर और मीट्रिक माइक्रोमीटर में क्या अंतर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर का कौन सी पद्धति में माप लेते हैं। तो इसके लिए इसके द्वारा हम इंग्लिश पद्धति में माप लेते हैं, और मीट्रिक सिस्टम में हम लोग मीट्रिक पद्धति में माप लेते हैं। अब दूसरा है इसकी रेंज इंचों में होती है, जैसे 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, इस तरह से। और मीट्रिक माइक्रोमीटर में रेंज जो होती है 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, इस तरह से रेंज इसका देखा जाता है। अगला है इसके द्वारा न्यूनतम माप 0.001 इंच तक ले सकते हैं, जबकि मीट्रिक माइक्रोमीटर द्वारा न्यूनतम माप 0.01 mm में माप लेते हैं। अब इसके स्लिप पर ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्लिप पर 1 इंच की लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 भागों में बांटा जाता है जिसे सब डिवीजन कहते हैं, तथा एक सब डिवीजन का मान जो होता है 1/40 इंच होता है, जिसका कि मान 0.025 इंच होता है। अब मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्लिप पर 25 mm को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है, हर मुख्य भाग को 2 बराबर अनुभाग में बांटा जाता है जिसे सब डिवीजन कहते हैं। अब इसमें एक सब डिवीजन का मान 1/2 mm होता है, तथा 0.5 mm भी कहते हैं। अब इंग्लिश माइक्रोमीटर में थिम्बल के बैरल घेरे को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है, और एक घेरे का मान 0.001 इंच होता है, जबकि mm में थिम्बल के बेवल घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है, और इसके एक घेरे का मान 0.01 इंच होता है। इंग्लिश माइक्रोमीटर के बेरल में व स्पिंडल पर 40 थ्रेड पर इंच कटी होती है, अर्थात एक पीच का मान 1/40 इंच होता है, जबकि मीट्रिक माइक्रोमीटर के बेरल व स्पिंडल पर 0.5 mm की चूड़ी कटी होती है। इंग्लिश माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक 1 इंच की दूरी में माप ले सकते हैं, जैसे 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच इत्यादि। और मीट्रिक माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक 25 mm की रेंज में माप ले सकते हैं, जैसे 0 से 25 mm,
25 से 50 mm, 50 से 75 mm इत्यादि। अब हमारा है नेक्स्ट में माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। तो नंबर एक में है, सबसे पहले चेक करना चाहिए कि माइक्रोमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर है तो इसे दूर करना चाहिए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला है, सही माप के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन एवं सही मापने वाला यंत्र है, इसलिए किसी खुरदरी या घूमते जॉब में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिनिश जॉब में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला है, जॉब का माप सही स्थिर रखने के लिए माप लेने के बाद इसे लॉक नट द्वारा लॉक कर देना चाहिए। अगला है, माइक्रोमीटर को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए और इसको प्रयोग करने से पहले और बाद में किसी साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। इसमें ग्रीस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे CTC का प्रयोग करके ही रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में, उसका लिस्ट काउंट निकालना और उसकी रीडिंग को पढ़ना।